हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैक्स। दरअसल मुमरा शहर में अब हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि शहर के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आखिर इस लड़ाई का जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से कल की घटना हम आपको बताएंगे कि ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग जो है वो चक्का जाम कर दिए थे हॉकर्स के खिलाफ, वहीं हॉकर्स ने भी ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ जो है उनमें विरोध देखा गया, और इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस स्टेशन में NC वगैरह भी दर्ज कराई गई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा शहर में क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार असली कौन है, किसकी वजह से आखिर शहर के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। विकास के सैकड़ों दावे मुमरा शहर को लेकर किए जा रहे हैं, रोड चौड़ा कर दिया गया लेकिन उस पर हॉकर्स को रखा गया है। अगर हॉकर्स को हॉकर्स जोन दिया गया होता तो शायद ऑटो रिक्शा वालों को आज वो दिन नहीं देखना पड़ता कि हॉकर्स के खिलाफ वो सड़क पर उतरकर चक्का जाम करते और हॉकर्स के खिलाफ ही लड़ते। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक ही शहर के रहने वाले लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने पेट पालने के लिए अपना कारोबार करते हैं, लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि लोग आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं। सैकड़ों दावे किए जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है, आखिर किसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है। हमारे साथ जो है पूर्व नगर सेवक है राजन दादा कीने, उनसे हम बात करेंगे। दादा, आपने भी खबरें देखी होंगी कल किस तरह से मुमरा शहर में ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग और हॉकर्स के लोगों में जोरदार एक मामला सामने आया। आखिर हॉकर्स जोन अगर मिला होता तो क्यों ये लोग रोड पर धंधा लगाते, और अगर हर नाके पे इन्हें ऑटो रिक्शा स्टैंड दिया गया होता तो ये वहाँ पर पैसेंजर बिठाते और उतारते? इन दोनों के बीच में जो टकराव हो रहा है, अपने ही शहर के लोग लड़ रहे हैं, आखिर इसके जिम्मेदार उन नेताओं को माना जाए जिन पर इस शहर की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आज 2009 के बाद यहाँ पर आपस में लड़ाने का काम और अपनी रोटी सेकने का काम शुरू हो चुका था 2009 के बाद से। यहाँ पर जितेंद्र आवाड़ चुन के आने के बाद आप देखेंगे हर वार्ड में देखो उनके ही पार्टी के, वो उनके नगर सेवकों में दूसरा एक उन्होंने कॉम्पिटिटर खड़ा किया है। तो आप उनको उनको मालूम है कि इनको आपस में लड़ा के ही इनके ऊपर राज किया जा सकता है, ये जितेंद्र आवाड़ को मालूम है। आज ये बात यहाँ तक आई कि हॉकर्स और रिक्शा वालों के बीच में आ गई। आज बीच में समझो 2018-19 के टाइम पे जब बजट हुआ था तो उसमें हैंगिंग मार्केट का एक प्रपोजल आया था, तो वो हैंगिंग मार्केट का प्रपोजल जब हमने महासभा में उठाने की बात की थी तो तभी हमको जितेंद्र आवाड़ ने पूछा था, अरे बोले तू ते उचलू नको, ते बहु नंतर अपन काय करायचे ते। तो वो कोई विकास का मुद्दा जो रहता है तो उनको उनको जब उनके मन को लगेगा तो ही वो विकास का विकास करने का, नहीं तो करने का नहीं। आज अगर हॉकर्स जोन होता तो आज ये रिक्शा वालों में, आज रिक्शा स्टैंड होता तो आज रिक्शा वालों और हॉकर्स जोन में ये लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र शासन के माध्यम से जो भी यहाँ का प्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि आज उनको जो बिल्डरों को जमीन देने के या ये सब चीज़ें करने के लिए उनको जगह की उपलब्धता होती है, बाकी सब चीज़ों के लिए ज़मीन उपलब्ध होती है, लेकिन हॉकर्स जोन को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है। मैं उनके ऊपर ये आरोप करता हूँ कि आज ये झगड़े हो रहे हैं इसका जिम्मेदार जितेंद्र आवाड़ है। आप क्या बोलते हैं इस बात बारे में, सही है ये? दादाजी, जिस तरह से मैनिफेस्टो जो चुनाव में जारी करते हैं उसमें बाकायदा पूरा डिटेल दिया जाता है कि हम ये करेंगे, हॉकर्स जोन का उसमें भी बताया गया था फला फला जगह पर है,
लेकिन कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह से ऑटो रिक्शा वाले हैं, कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा वालों की भी थोड़ी बहुत 19-20 गलती होती है कि स्टैंड बनने के बाद भी वो नहीं वहाँ पर खड़ा करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको बनाकर दिया ही ना जाए। क्या है कि 2009 के बाद उड़ान के मैनिफेस्टो के माध्यम से यहाँ पर लोगों को एकदम ऐसा ये बताया था कि ये सिंगापुरी शंघाई ऐसा ही हो जाएगा मुमरा, लेकिन वो सब होने के बावजूद यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी ये दावा किया जाता है। एक मिनट, रिक्शा और मैं रिक्शा वाले हैं और हमारे हॉकर्स वाले हैं, इनको भी एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अगर अपने डिसिप्लिन में रहते, अगर रिक्शा वालों है अगर अपने डिसिप्लिन में चलेगा, अगर जिधर उनको मालूम है रिक्शा वालों को किधर उनका स्टैंड है, तो वो भी अगर रिक्शा वाले भी उधर खड़े रहेंगे अपनी अपनी जगह पे, अगर अपन अपने डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे ना तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जो यूनियन रिक्शा यूनियन के लोग हैं उनको, रिक्शा यूनियन के बहुत सारी यूनियन हुई है अभी आजकल, तो और वैसा है कि उनके आपस में समन्वय नहीं है, उनको एक साथ सब यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनको आपस में बैठ के बात करना चाहिए और रिक्शा वालों को सही गाइडलाइन देना चाहिए। वैसे ही हॉकर्स के बारे में भी है, हॉकर्स की भी अभी बहुत सारी यूनियन हो चुकी है और जो आता है वो यूनियन बना के अपना हॉकर्स वालों को टारगेट बना के उनको ये भी बात सामने रही, जो मनपा ने उनको पट्टा बनाकर दिया गया था, पीला पट्टा है फिर व्हाइट पट्टा है, तो उससे भी बाहर आकर जो मंच लगाया गया उस मंच के सामने भी धंधा लगाया जा रहा है। इस वजह से ऑटो रिक्शा वाले अगर रोकने की कोशिश करते हैं वहाँ उतारने की, तो वॉलेंटियर जो उनको आगे भगा देते हैं, तो इस वजह से वो उतार नहीं पा रहे, पैसेंजर ना बिठा पा रहे। वो भी बराबर है, अभी क्या है पूरा रोड जो है कब्जा हो चुका है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो रमज़ान के पवित्र महीने में अभी आखिरी दौर में अपना रमज़ान और ईद आने वाली ईद की भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को। ये रमज़ान में क्या होता है कि हर एक जो हॉकर्स है उसको अपना धंधा कैसा हो वो हिसाब से वो जहाँ जगह मिले वहाँ पर वो ये करने की कोशिश करते। हालांकि इससे पहले महापालिका बाकायदा रोज शाम को घूम के, आज भी वो महापालिका के अधिकारी लोग अतिक्रमण के लोग घूम के सब ये करते, लेकिन अभी यहाँ से उठा दिया तो तुरंत फिर बाद में वो आके बैठ जाता है हॉकर्स वाला, तो उसकी वजह से रिक्शा में जो पैसेंजर रिक्शा रुकती है या रिक्शा को रुकना चाहिए वहाँ पर उनको रुकने की जगह न होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक और बहुत सारा हॉकर्स का भी प्रॉब्लम होने की वजह से रिक्शा वालों को भी प्रॉब्लम होती है। तो हॉकर्स वालों को भी मेरा कहना है कि वहाँ के जो सभी जो पदाधिकारी है यूनियन के, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने वॉलंटियर जमा करके उनको बाकायदा वहाँ पर सभी हॉकर्स को शिस्त लगा डिसिप्लिन में रखो, ये मेरा कहना। और जिस तरह से एक दावा किया जा रहा है, उमरा शहर के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमने रोड इतना चौड़ा कर दिया कि इतना चौड़ा रोड पूरे थाने में कहीं भी नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि रोड चौड़ा होने से उसका फ़ायदा क्या उमरा शहर के लोगों को मिल रहा है, लोग उस पर चल पा रहे हैं सही से? क्या मालूम है, क्या गरीबों के घरों के ऊपर दुकानों के ऊपर बुलडोजर चला के रोड चौड़ा कर दिया, रोड तो चौड़ा कर दिया, लेकिन तुमने तुम्हारे ट्रैफिक की वजह से अगर वहाँ पर रोड के ऊपर जो पार्किंग होती है उसके बारे में तुमने कुछ सोचा क्या? तो रोड चौड़ा करने का मतलब भी क्या, तुमने लोगों के घरे तोड़े, आज उनको किसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो विस्थापित जो हुए थे उनको अभी उनका पुनर्वसन भी नहीं हुआ, उसके बारे में तुम क्या सोच रहे? और रोड चौड़ा किया है तो इसका मतलब तुम रोड के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर इनलीगल पार्किंग नहीं होनी चाहिए। सवाल उठा रहे कि चौड़ा करके उसके बाद उस पर मार्केट लगवा दिया गया, वो तो बात सही है ना। इससे पहले जो यहाँ पर कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ये और जितेंद्र आवाड़ ये अपनी मनमानी करते थे और उनकी वजह से आज ये मुमरा को भुगतना पड़ रहा है। कौसा के पास पेट्रोल पंप के साइड में कौसा अलमास कान पे वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम हो रही है, पूरा रोड का सिस्टम ऐसा बिगाड़ दिया गया है वहाँ पर चौड़ा करने के नाम पर कि आप यहाँ से अगर शिमला पार्क की तरफ जा रहे हैं और सीधे जाएंगे तो उधर से आने वाले रोड पर चले जाएंगे, तो वही ना अभी वो यहाँ डिवाइडर वो जो डिवाइडर जो एक लाइन में होना चाहिए था, कटिंग के बाद अगर डिवाइडर यहाँ से वो सामने है तो वो डिवाइडर सामने नहीं होते, वो और ही जगह है एकदम, ये ऐसा यहाँ से अगर कोई ट्रैफिक लेके जा रहा है तो वो सीधा जाने के बजाय सीधा जाने की कोशिश करता है तो सामने से गाड़ियाँ रहती, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो ये जो डिवाइडर हुए हैं
तो ये डिवाइडर भी सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिए मैं सभी मुमरा वासियों को कहता हूँ, खास करके हॉकर्स और अपने रिक्शा वालों को, कि आप अपनी अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो सबको सबको घाई रहती है, उसमें बाइक बाइक्स वाले हैं सबको घाई रहती है। तो आप अगर ये कर एक एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, अगर कोई आपको कहता है कि इधर से मत जाइए तो आप उधर से मत जाइए, तो अगर सभी ने अपना अपना तरीके से अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया तो मैं समझता हूँ कि ना ट्रैफिक का मसला रहेगा ना हॉकर्स को प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी ने अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, और ख़ास करके जो यूनियन के हॉकर्स यूनियन के पदाधिकारी है, रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी है, जो उन लोग को अपने रिक्शा वालों के बारे में ये रमज़ान कम से कम रमज़ान के महीने तक तो लोगों को जो राहत मिले वो हिसाब से तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। राजन दादा, इस तरह से ट्रैफिक और मार्केट का जो मुद्दा है, तो आप महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनसे इस मसले को लेकर क्या बातचीत करेंगे, इसका हल निकालने की कोशिश आपके तरफ से भी होगी कि हॉकर्स को हॉकर्स जोन दिया जाए, जिस तरह से मित्तल रोड के बाजू में भी था लेकिन मिला नहीं, वहाँ भी सब काम चालू हो गया मिला नहीं, तो आप सीएम साहब से क्या मांग करेंगे, क्या हॉकर्स को हॉकर जोन दिलाएंगे, ट्रैफिक का जो इशू है उसके लिए क्या मुलाकात करेंगे, किस तरह से मांग को पूरी करने की कोशिश आप? पहले तो हम ट्रैफिक ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर उनकी जो समस्याएं हैं, उनको मनुष्य बल बहुत कम है, मैन पावर बहुत कम है, वो सब चीज़ों को और उनको क्या क्या जो अड़चन है वो अड़चन है उनसे जान लेंगे। वैसे ही हॉकर जोन के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री और खासदार साहब से हम इस बारे में चर्चा करेंगे, और ये जो समस्याएं है ट्रैफिक वालों को कि उनको क्या क्या मांगता है, फिर हॉकर जोन के बारे में क्या अड़चन है, वो सब चीज़ें समझ के वो माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे और उनको जल्दी से जल्दी बोलेंगे कि इसमें आप ये निकालिए, हल निकालिए। तो आपने सुना कि राजन दादा थे, जो शहर का काफ़ी अहम मुद्दा है ट्रैफिक का, और जिस तरह से जो घटनाएं कल से सामने आ रही थी, काफ़ी विवाद हुआ हॉकर्स और ऑटो रिक्शा वालों के बीच में, इसका भी हल निकलना बहुत ज़रूरी है। हॉकर्स को हॉकर्स जोन जल्द मिलना चाहिए। इसी तरह से जो ऑटो रिक्शा यूनियन की जो मांग है नाके पर उन्हें स्टैंड बनाकर देने की, उस पर भी उम्मीद की जाती है कि शासन प्रशासन जल्द ही काम करेगा।